नमस्कार, मैं भाषा और इस समय हम पहुंचे हुए हैं टीकरी बॉर्डर पर, जहां पर लाखों की तादाद में किसानों ने दिल्ली सरकार, मोदी सरकार को घेरने का प्रण किया हुआ है। 26-27 नवंबर से यहां पर लाखों की तादाद में जमावड़ा है। मोदी सरकार से वार्ता विफल रही है। मोदी सरकार 3 कानून वापस लेने को तैयार नहीं, और यहां पर पहुंचे तमाम किसान, मजदूरों और महिलाओं का कहना है कि इन काले कानूनों को वापस लिए बिना वे दिल्ली नहीं छोड़ेंगे। इस समय दिल्ली को चारों तरफ से घेरकर किसानों का कहना है कि ये जो कानून है, यह कानून नई तरह की गुलामी की ओर भारत को भेज ढकेल रहे हैं। इन काले कानूनों से सिर्फ किसान ही नहीं, देश का हर नागरिक परेशान होगा। लोगों को खाने के लिए अनाज नहीं मिलेगा, और ऐसे में इनका कहना है कि ये लड़ाई सारे हिंदुस्तान की लड़ाई है, और इस लड़ाई के लिए यह कुछ भी करने को तैयार है। मोदी सरकार बिकी हुई है जी, बिल्कुल एक किसान ना के सुन नहीं रही। मेरा नाम जोगिंदर सिंह गुराह है, सूबा प्रधान भारतीय किसान एकता गुराह हाँ। साढ़े पंजाब दे विच इकाई है, पंजाब दे विच साडा काम है, साडा पंजाब दे 15 जिले दे विच काम है, ते हुण साडा काम तो रोज़ वधदा जा रहा है। कानूनां लैके साडी गल बहुत फ्लैश हो रही है। लगभग इत्थे साडी लख दे नेड़े साडी गिणती मोर्चे दे विच आई हुई है, ते बाकी लाख के करीब लोग हैं। हाँ, हमारे संगठन के 1 लाख के करीब लोग हैं, और 8,000 के पास हमारा व्हीकल इधर है। व्हीकल महिला किसान भी आपके साथ हैं क्या? सबसे ज़्यादा महिला किसान हमारे साथ है। इस मोर्चे में हमारे महिला किसान की 26,000 की गिनती थी, हमारे जो अभी वापस चली गई। 26,000 महिला हमारे मोर्चे में, मेरे ख्याल में पंजाब में कुल जथेबंदियाँ जितनी, उनके पास 26,000 की गिनती किसी इकट्ठ में हो नहीं सकती। और सबसे ज़्यादा यह काम हमारा, क्योंकि हमारे अजलास का ये एजेंडा था कि जब तक औरतों की गिनती शमूलियत बराबर की नहीं होती तो मोर्चा जीता नहीं जा सकता। हमारी जथेबंदी की समझ है, हमारी पहुँच है ये। हमने इसलिए औरतों के विंग भी बनाए हुए हैं, औरतों की प्रेजिडेंट भी बनाई हुई है, औरतों की कमेटियाँ गाँव में बनाई हुई हैं। वो हम जो कसर बाकी है वो निकालने जा रहे हैं। और आएंगी। मेरा नाम पावेल है, मैं पंजाब से आया हूँ, और एक मोगा डिस्ट्रिक्ट मोगा से। क्या काम करते हैं आप? मैं एक रेवोल्यूशनरी जनरल निकालता हूँ सुरखली पंजाबी में, उसका एडिटर हूँ मैं। ये जो आंदोलन है, इसे आप क्या देखते हैं, क्या इसका असर है? आप तो लिखने पढ़ने का काम करते हैं, फिर यहाँ क्यों हैं आप? मैं लिखने पढ़ने के साथ एक रेवोल्यूशनरी एक्टिविस्ट भी हूँ, और इसलिए यहाँ पर तो इसलिए हूँ क्योंकि एक तो मैं इसकी रिपोर्टिंग कर रहा हूँ अपने जनरल के लिए, और दूसरी बात यह है कि मैं इस एजिटेशन के समर्थन में भी हूँ अपने तौर पर। वो इसलिए कि ये सिर्फ किसानों का इशू नहीं है। मैं तो आपके माध्यम के ज़रिए सभी लोगों को ये भी कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ पीजेंट एजिटेशन नहीं बननी चाहिए, इससे आगे ये पीपल्स मूवमेंट बननी चाहिए। क्योंकि ये जो एग्रीकल्चर लॉज हैं, ये लॉज एक्चुअल में कंट्री की जो फूड सिक्योरिटी है, ये उसको थ्रेट है। ऐसा थ्रेट है जो किसी समय, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्शन थी, जो जितने कम लेवल पर थी, उसके लिए हमारे पास फूड की शॉर्टेज पड़ती थी। अब ये दूसरी तरह होगा, जब ये कॉरपोरेट के हाथ में चला जाएगा सारी फूड चेन्स का सारा सिस्टम, तो वो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के ज़रिए अपने जो रेट्स को अप एंड डाउन करके टोटली जो लोगों की जो प्रोडक्शन होगी एग्रीकल्चर की, वो अपने हाथ में ले लेंगे। और उसके बाद जो कंज्यूमर है, जिसको आज किसान की ये बात लगती है, तब उन्हें पता चलेगा कि ये ना सिर्फ PDS, एक्चुअली फूड प्राइसेस का बढ़ना और बहुत बड़ा इम्पेक्ट होगा इसका सारी सोसाइटी पर। इसलिए हमारा ये मानना है कि ये पीपल्स मूवमेंट बननी चाहिए। लेकिन अभी तक जो हमें दिखाई दे रहा है, उसमें दिखाई दे रहा है कि इसमें पंजाब और पंजाब का जो बड़ा किसान है वह आंदोलन पर है, और वो अभी तक ग्रीन रिवॉल्यूशन या बाकी जो कैपिटलिस्ट प्रयोग रहे हैं एग्रीकल्चर में, उसका वो सपोर्टर रहा है, तो वो क्यों आंदोलन में उतरा? हाँ, एक्चुअली वो सपोर्टर रहा था एक पीरियड में, वो 80s तक वो सपोर्टर था,
लेकिन 80s के बाद पंजाब का जो किसान है और हरियाणा का, वो ग्रीन रेवोल्यूशन के जो वो इम्पेक्ट हैं जिसने उन्हें कर्जे में धकेल दिया और सुइसाइड के लिए मजबूर कर दिया, उस पर तो वो फाइट करता आ रहा है और इसीलिए वो इस स्ट्रगल में सबसे आगे है। लेकिन पंजाब में इतने दिन चलाने के बाद अब आंदोलन की भी तो एक लिमिट होती है कि कितने दिन तक हम चला पाएंगे। बिल्कुल मैडम, ये बात आपकी 100% ठीक है कि हमें मालूम है कि आंदोलन लम्बा चलाना बड़ा मुश्किल होता है। इकोनॉमिक तरफ से भी, लोगों के काम की तरफ से भी थक भी जाते हैं, अक भी जाते हैं। अब देखिए भी तकरीबन 15 सितंबर से जी आज तक कंटिन्यू मोर्चा में कंटिन्यू। मेरा नाम गविंदर सिंह है, मैं पंजाब से 25 तारीख से आया, जहाँ पर आया हूँ। सो पंजाब से के बहुत बड़ी मूवमेंट जो उठी हुई है उसको शायद देश में पहली बार इतनी बड़ी मूवमेंट हुई है, पर जो नेशनल मीडिया है मैम वो बहुत कम इसको दिखा रहा है। गोदी क्यों क्यों नहीं दिखा रहा मैम? गोदी मीडिया बन चुका है, बिक चुका है मीडिया। लेकिन सवाल है, इतने लोग आए हैं तो कुछ लोग तो आ ही रहे हैं, मीडिया लोग कह रहे हैं कि आप मीडिया को भगा दे रहे हैं। बहुत काम मार, इसीलिए तो भगा रहे हैं ना, क्योंकि 3 महीने से मैम पंजाब में ये प्रोटेस्ट हो रहा है, वहाँ पर क्यों नहीं दिखाया मीडिया ने? छोटी सी गल होती है तो उसका छज्जा टूट जाता है जो, तो उसको तो मीडिया दिखा रहा है, वो कहाँ सोती है, कहाँ कब पानी पिया। कंगना राउत के बारे में, कंगना राउत उसको तो दिखा रहे हैं। हमारे पंजाब के किसान जहाँ पर रात को बाहर पैते हैं, बीबियाँ हमारी जहाँ पर आई हुई हैं, उनको क्यों नहीं दिखाया पंजाब में, क्यों नहीं दिखाया मीडिया ने? जी मैम, तो आपको लगता है कि ये एक बड़ा मुद्दा है कि मीडिया बहुत बहुत बड़ा मुद्दा है मैम? मीडिया बिक चुका है, जो नेशनल मीडिया, आपका हम धन्यवाद करते हैं, आपके चैनल से किसान प्रोटेस्टों को दिखा रहे हैं। जे मैम कोई शौक नहीं है हमें इतने आने का, मीडिया कह रहे हैं कि आतंकवादी हैं, जे किसान हैं देख लो जी आतंकवादी हैं, जे आप जहाँ पर अपनी मंगा मनवाने के लिए हैं, जो हमारे साथ सेंटर की सरकार ने धक्का किया है, 3 कानून लिए हैं, उनको वापसी ही करा के किसान जहाँ जहाँ से जाएंगे। मीडिया जब नहीं दिखाता तो क्या परेशानी होती? परेशानी मैम ये होती है कि लोगों को नहीं पता चलता, देश को नहीं पता चलता, लोगों को नेगेटिव जो जो वीक पॉइंट होते हैं ना, एक दो थोड़े बहुत शरारती आंसर होते हैं, हो सकता है इनके सरकार की छोड़े हों, उनको दिखा देती हैं कि ये तो किसान भाई ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ये इससे लोग गलत सोचते हैं। हो सकता मैम गलत सोचते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग दूसरे सूबों दूसरी स्टेटों के तो यही सोचेंगे ना कि शायद किसान तो सारे किसान ऐसे होंगे। हमारा नाम है लक्ष्मण सिंह सेवेवाला, हम पंजाब खेत मजदूर यूनियन के सूबा जनसेक्रेटरी हैं। ये बताएं कि आप मजदूरों के बीच काम करते हैं, यहाँ पर जो कानून है और कानून का विरोध हो रहा है, इसमें जो बड़े किसान हैं वो विरोध में हैं, मजदूरों को क्या असर पड़ेगा इससे? ये कानून किसान के भी दुश्मन है, किसान का भी नुकसान करने वाले हैं, बड़े किसान का भी कुछ का करेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान है जो वो छोटे किसान का होगा। और इसके साथ ही जो एग्रीकल्चर लेबर है उनके ऊपर इन कानूनों का सबसे बुरा दुर्प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये कानून है जो मोदी सरकार द्वारा लाए गए हैं, इसी कानून के तहत जब किसान का धान नहीं खरीदा जाएगा, उनका गेहूं नहीं खरीदा जाएगा, उनकी फसल नहीं खरीदी जाएगी, तो PDS कहाँ रहेगा? हमारे पंजाब के अंदर 42 लाख लोगों को PDS के तहत, उन परिवारों को वो जो अनाज है सस्ता वो मिल रहा है, और हमारे प्रधानमंत्री ने ये ऐलान किया हुआ है, सच्चा कितना है ये तो अलग बात है, लेकिन उन्होंने बोला कि लॉकडाउन के दौरान हमने मुल्क के 80 करोड़ परिवारों के लिए अनाज प्रोवाइड करवाया है। अगर हमारे मुल्क की सरकार के पास किसान से ख़रीदने के बाद अनाज नहीं रहेगा तो ये गरीब लोग है, जो खेत मजदूर है, जो शहरी गरीब है, अन्य लोग जो अनाज मूल्य लेकर खाते हैं, उन सभी के ऊपर इनका दुर्प्रभाव पड़ेगा। मेरा नाम जगजीवन सिंह है, मैं पंजाब से हूँ, और मैं ये बताना चाहता हूँ भी यहाँ पर जो संघर्ष के लिए आए हुए हैं, जो अपना भारत है ना, उसके सभी नागरिक यहाँ संघर्ष में बैठे हुए हैं। ये नहीं है भी कल पंजाब के लोग आए हुए हैं यहाँ पर, यहाँ पर हरियाणा के, यूपी के, बिहार के सभी आए हुए हैं, क्योंकि आप सोशल मीडिया पर भी देख रहे हैं। पर मैं एक बात बताना चाहता हूँ, अगर मेरी ये वीडियो क्लिप हो सकता है भी जो वो चैनलों को ये लगता हो भी ये गलत है जहाँ उन पर लगाई जा रही है, तो मेरे साथ बात भी कर सकते हैं। पर मैं वो चैनलों की बात कर रहा हूँ जो गोदी मीडिया है। हम पंजाब में लगातार संघर्ष चल रहे हैं, किसान शहीद भी हो चुके हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल मीडिया है हमारा,
दिल्ली का मीडिया है जो मोदी के इशारों पर, अडानी के इशारों पर नाचता है, उसने हमारे कोई भी किसान भाई जो शहीद हुए हैं उसको एक भी कवरेज नहीं दिखाई, ना संघर्ष की कवरेज दिखाई। क्या नाम है आपका? बलजीत कौर जी। कहाँ से आए हो? असी पंजाब से आए हैं जी। पंजाब में कहाँ से? पूतगढ़। हाँ जी, पटियाला जिला। पटियाला जिला, पटियाला डिस्ट्रिक्ट पटना जी। पहली बार आए हो आप दिल्ली? हाँ जी, पहली बार आए हैं। कैसा लगा दिल्ली आपको? दिल्ली का तो मंदा ही माहौल है जी। मंदा माहौल है? हाँ जी। कोई सुन नहीं रहा? हाँ बिल्कुल, कोई सुन नहीं रहा। हाँ? कोई सुन नहीं रहा किसानों के बारे। जो समझ ले मोदी ने कानून लिया किसानों से वो बिल्कुल खिलाफ है, तो वो साढ़े बच्चों के लिए बिल्कुल खराब खिलाफ हैं। तो जेडे समझ ले खर्चे बधाए हैं इनू, जो बिजली बोर्ड प्राइवेट करी हैं, तो स्कूल प्राइवेट करी हैं, ये साढ़े छोटे किसानों के लिए हानिकार है। जहाँ हमारे संघर्ष को, किसानों को, मजदूरों के संघर्ष को खालिस्तान का नाम देकर हमारे संघर्ष को गलत फील कराने की कोशिश कर रहा है संघर्ष को, ये संघर्ष किसान मजदूरों का सभी का साझा संघर्ष है, खालिस्तान से कोई रिलेटेड बात नहीं है। यहाँ पर संघर्ष शांतिपूर्ण चल रहा है, शांति से ही चलेगा। हम किसान हैं, अन्नदाता हैं, पर आज के समय में किसान को अन्नदाता नहीं, आज से जदों हक मांग जब हक मांगने के लिए यहाँ दिल्ली पहुँचा है तो अलग अलग बातों से उसको जोड़ा जा रहा है। पर मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ वो मीडिया वालों को भी ऐसे मत करो, क्योंकि आप ही रोटी खाते हैं, जो हम अनाज धरती से उगाते हैं ना, रातों को जो ठंड होती है ना, ठंड के बीच भी पानी लगाना, पैर सुन्न हो जाते हैं। आप वहाँ बैठ कर ना स्टूडियो में मसाले लगा लगा कर कुत्ते खानी कर रहे हो किसानों के साथ, ये गलत कर रहे हो आप। आज तक दुनिया के इतिहास में लोगों से बड़ा कोई नहीं हुआ, इनसे जो इनका फैसला है वो कोई कोर्ट, कोई अदालत उनको टाल नहीं सकती। सामने आपकी लड़ाई तो ऐसी सरकार के साथ है जिसने अभी तक 2014 से लेकर अभी तक अपना कोई भी कदम वापस नहीं लिया। यही तो एक देखने की बात है कि एक जीता हुआ हंकारी पहलवान पंजाब के खाड़े में कूद पड़ा और चंडी पंजाब वालों ने पकड़ ली, देख लेंगे क्या होता है। रंगकर्मियां, कलाकारां, बुद्धिजीवियां ते किसानां मजदूरां दा एका जिंदाबाद, कलमकारां दा एका जिंदाबाद, खेती कानून वापस लो, बुद्धिजीवियां नूं रिहा करो, कलमां वाले ते किरती कामे जिंदाबाद। किसानों का यह आंदोलन मोदी सरकार के लिए गले की फांस साबित हो रहा है। जिस तरह से बाकी राज्यों से इन किसानों को समर्थन मिल रहा है और किसान दिल्ली को घेर रहे हैं और वे किसी भी तरह से कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि उनको पता है कि मोदी सरकार बहुत अड़ियल सरकार है। वे खुलकर बोल रहे हैं कि वे 4-5-6 महीने तक यहीं डटे रहेंगे, लेकिन ना अपने खेत छोड़ेंगे, ना किसानी छोड़ेंगे और किसी भी तरह से कॉरपोरेट को खेती पर कब्जा होने नहीं देंगे। ऐसे में साफ दिखाई दे रहा है कि एक बार फिर दिल्ली की सर्दियां गर्म होने वाली हैं और किसान अपना लंगर लेकर जिस तरह से बैठे हुए हैं उससे भी यह ललकार बहुत साफ है कि मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान का जो मेहनतकश तबका है वह लामबंद हो रहा है।